नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल टीएनए में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में पिछले महीने ह्यूंडई ने अपनी सब कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा को लॉन्च किया है, उसकी प्राइस अनाउंस की है। अगर अभी तक आपने उस प्राइसिंग के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। ये वीडियो केवल उन कंज्यूमर्स के लिए बना रहा हूं जो कंज्यूमर्स ऑरा का टॉप एंड वेरिएंट यानी कि SX ऑप्शनल वेरिएंट खरीदने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऑरा की प्राइसिंग और ऑरा के फीचर्स को नेक्सॉन की प्राइसिंग और फीचर्स के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। और अगर आप ऑरा का टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसके बदले मैं आपको नेक्सॉन का XM वेरिएंट सजेस्ट करूंगा, जिसमें 15 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं। अगर आप उनको जानेंगे तो उसे जानने के बाद में आप ऑरा को कंप्लीटली भूल जाएंगे। तो अगर आप ऑरा लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें ऑरा क्यों लेनी चाहिए या फिर ऑरा के बदले हमें नेक्सॉन का XM वेरिएंट क्यों चुनना चाहिए, क्या नेक्सॉन का XM वेरिएंट ऑरा के टॉप एंड वेरिएंट से ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, वो कौन से ऐसे 15 इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिनकी वजह से हमें ऑरा को भूल जाना चाहिए और नेक्सॉन को चुनना चाहिए, ये और ऐसे कई सारे सवाल अगर आपके जहन में हैं तो उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ह्यूंडई ऑरा और नेक्सॉन के प्राइसिंग के बारे में। ऑरा की पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शनल आपको मिलेगा 7,85,000 रुपीज़ में, वहीं डीजल टॉप एंड वेरिएंट आपको मिलता है 9,03,000 रुपीज़ में। नेक्सॉन इस प्राइस रेंज में AMT के ऑप्शन में नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम लोग जो भी ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं वो सारे के सारे मैनुअल हैं। नेक्सॉन पेट्रोल XM आपको मिलेगी 7,70,000 रुपीज़ से, जो कि 15,000 रुपीज़ ऑरा से सस्ती आती है। वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो नेक्सॉन XM आपको मिलेगी 9,20,000 रुपीज़ की, जो कि ऑरा के डीजल टॉप एंड वेरिएंट से 17,000 रुपीज़ महंगी है। यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 17,000 रुपीज़ हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसमें हमें क्या कुछ मिलता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑरा के इंजन ऑप्शंस की। ऑरा में आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको 83 PS की पावर जनरेट करेगा विथ 113 Nm का टॉर्क। 1.2 लीटर डीजल इंजन आपको मिलता है जो जनरेट करता है 75 PS की पावर विथ 190 Nm का टॉर्क। और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो 100 PS की पावर विथ 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब हम ऑरा के बारे में थोड़ा डिटेल में फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से दोस्तों। एक्सटीरियर में ऑरा में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ऑरा में आपको LED DRLs का ऑप्शन भी मिल जाता है, अलॉन्ग विथ LED टेल लैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी कलर बम्पर्स एंड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स ऑरा में आपको मिल जाते हैं। शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर आपको मिलेगा और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में आपको एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट मिलेंगे, रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आएगा और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब्स मिलते हैं दोस्तों। उसके अलावा डे नाइट IRVM का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल की जहां तक बात है, इसमें बहुत सारे फीचर्स तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग और डिस्टेंस टू MT का बेसिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट की जहां तक बात है दोस्तों, इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का ऑप्शन। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, आपको ऑडियो कंट्रोल्स यहां पर मिलेंगे जिसमें वॉइस रिकग्निशन, ब्लूटूथ और USB कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर में आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन मिलता है। क्रूज कंट्रोल भी ऑरा में आपको मिलता है, लेकिन वो केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग पैड यानी कि वायरलेस फ़ोन चार्जर आपको ऑरा में अवेलेबल है। लगभग ह्यूंडई की हर गाड़ी में ये ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको मिलते हैं रियर AC वेंट्स।
चारों के चारों पावर विंडोज आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी ऑरा में आपको मिलता है। ऑरा का ग्लव बॉक्स ठीक ठाक है और उसका स्पेस डिसेंट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। ऑरा में आपको मिलेगा पावर स्टीयरिंग जिसमें टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी आपको ऑरा में मिल जाता है, उसी के साथ में आपको मिलता है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सेफ्टी के फीचर्स के तौर पर ऑरा में आपको मिलेगा ड्यूअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, रियर पार्किंग कैमरा एंड सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर अलॉन्ग विथ प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसके अलावा सेफ्टी के नाम पर आपको सिर्फ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स ही मिलते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्सॉन की और मुड़ते हैं इन सारे पैरामीटर्स पर, नेक्सॉन आपको क्या ऑफर करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। नेक्सॉन के एक्सटीरियर में आपको मिलेंगे बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर बम्पर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट पियानो ब्लैक ORVM विद टर्न इंडिकेटर आपको नेक्सॉन के XM वेरियंट्स में मिलते हैं, DRLs भी यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे दोस्तों, अलॉन्ग विद डोर साइड बॉडी क्लैडिंग्स भी आपको अवेलेबल हैं, रियर स्पॉयलर आपको XM वेरिएंट में मिलेगा अलॉन्ग विद LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी आपको इस वेरिएंट में मिलेंगे विद LED टेल लैम्प्स, उसके अलावा व्हील आर्च की क्लैडिंग भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। अब मुड़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिलेंगे 1 लीटर बॉटल होल्डर्स इन ऑल दी 4 डोर पॉकेट्स। नेक्सॉन में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगी जो कि अब उनकी सारी गाड़ियों में आती है। मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स मिलेगा अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स, कूल ग्लव बॉक्स, वॉलेट होल्डर एंड विजिटिंग कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड होल्डर का ऑप्शन इस वॉलेट में आपको मिल जाता है। 100% फ्लैट फोल्ड रियर सीट मिलेगी। 350 लीटर का बूट स्पेस ऑलरेडी इसमें आता है, उसके अलावा अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो रियर सीट आपको 100% फ्लैट फोल्ड हो जाएगी। उसके अलावा आगे के दोनों डोर्स में आपको अम्ब्रेला के लिए एक अम्ब्रेला होल्डर मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट पैनल। इंस्ट्रूमेंट पैनल में नेक्सॉन में भी आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे कि डिस्टेंस टू MT, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड इंस्टेंट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 4 स्पीकर का ऑप्शन मिलता है। कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हार्मन कार्डन आपको मिलेगा। AM, FM, USB, ऑक्सन, iPod कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद ब्लूटूथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको कॉल लॉग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अब मुड़ते हैं दोस्तों कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की तरफ। नेक्सॉन XM कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको मिलेगा एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट ऑप्शन, चारों के चारों आपको पावर विंडोज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल AC विद हीटर आपको मिलेगा एंड इम्पॉर्टेंट इज मल्टी ड्राइव मोड्स जो कि इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, ये ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। लास्ट बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि सेफ्टी होता है किसी भी गाड़ी का, तो चलिए जानते हैं कि नेक्सॉन में सेफ्टी के तौर पर आपको क्या मिलता है। इसमें आपको मिल जाएगा ड्यूअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल का ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ग्लोबल NCAP 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आपको नेक्सॉन के साथ में मिलती है। अब मुड़ते हैं दोस्तों उस पहलू की तरफ जिसमें हम जानेंगे कि वो कौन से फीचर्स हैं जो आपको ऑरा में मिलते हैं लेकिन नेक्सॉन में वो नहीं मिल पाते। कुल मिला के 10 ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों जो ऑरा में अवेलेबल है लेकिन वो आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर के साथ में जिसका नाम है डायमंड कट अलॉय व्हील्स। नेक्स्ट आपको मिलता है प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, ऑरा में अवेलेबल हो जाता है लेकिन नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा।
रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको यहाँ पर नेक्सॉन में, 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन ऑरा में मिल जाएगा आपको क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन XM में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्रूज कंट्रोल आपको पेट्रोल वेरिएंट में मिल जाएगा ऑरा के, लेकिन नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, वायरलेस फ़ोन चार्जर आपको ऑरा में मिल जाता है जो कि नेक्सॉन में या टाटा की किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑरा में मिलेगा जो नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलेगा, हालांकि वहां पे आपको मैनुअल एसी विद हीटर का ऑप्शन दिया हुआ है, रियर एसी वेंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे लेकिन वही नेक्सॉन में आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं, एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट फीचर 5 ईयर्स वारंटी एंड 3 ईयर्स रोड साइड असिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलता है जो नेक्सॉन में नहीं मिलेगा। अब मुड़ते हैं दोस्तों 15 नेक्सॉन के ऐसे फीचर्स को जानने के लिए जिनको जानने के बाद में आप डेफिनेटली ऑरा को चूज़ नहीं करेंगे। अगर सेफ्टी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप नेक्सॉन को कंसिडर करोगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो है रियर स्पॉयलर विथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑरा में कोई भी आपको रियर स्पॉयलर नहीं मिलता है। वी लार्ज क्लैडिंग आपको नेक्सॉन में मिल जाती है जो ऑरा में नहीं मिलेगी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मिलती है जो ऑरा में आपको देखने को नहीं मिलेगी, 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी ग्लव बॉक्स आपको जिस तरीके से नेक्सॉन में मिलता है कूल ग्लव बॉक्स, उसी तरीके से आपको ऑरा में नहीं मिलेगा, हालांकि वो कूल्ड है बट यूटिलिटी स्पेस उस तरीके से नहीं बनाया गया है जिस तरीके से ये नेक्सॉन में आता है। नेक्सॉन में आपको अम्ब्रेला होल्डर्स मिलेंगे फ्रंट के डोर पॉकेट्स में, वहीं आपको ऑरा में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कॉल लॉग्स एंड कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन जो आपको इन्फोटेनमेंट में नेक्सॉन में देखने को मिलेगा वो आपको ऑरा के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मल्टी ड्राइव मोड्स आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं इको सिटी एंड स्पोर्ट्स जो आपको ऑरा में कहीं भी देखने को नहीं मिलते, और इसके अलावा कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन एंड ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आपको नेक्सॉन के साथ में मिलती हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली को और अपनी सेफ्टी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो इन सारे फीचर्स के साथ में आपको डेफिनेटली नेक्सॉन खरीदनी चाहिए ना कि ऑरा। अगर अपने आप के लिए आपने कोई एक दायरा नहीं बनाया है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हैं कि आपको सिर्फ सेडान ही लेनी है, तो मुझे लगता है कि नेक्सॉन यहाँ पर एक बेहतर पैकेज के रूप में, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के रूप में उभर कर आती है। डेफिनेटली देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ सब कॉम्पैक्ट सेडान एंड सब कॉम्पैक्ट SUV। आपको एक बड़ी गाड़ी मिलेगी, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, बेहतर ऑन रोड स्टेबिलिटी और कई सारी खूबसूरत चीज़ों के साथ में नेक्सॉन का फेस लिफ्टेड XM वेरिएंट आपको एक बेहद ही खूबसूरत डील के तौर पर यहाँ पर उभर कर आता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।